Hey, what's up guys, welcome to the video on CS Moto Vlog. और आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग Samsung Smart Monitor 28 inches वाला M5. तो ये मॉनिटर मैंने लिया है Flipkart से, एंड ये मेरे को पड़ा है 17,000 रुपए का। अगर इसे आप थोड़े बहुत ऑफ लगाते हो 15 का अराउंड पड़ जाएगा विद क्रेडिट कार्ड्स। एंड इसके साथ में एक रिमोट भी आता है। ये एक स्मार्ट मॉनिटर है, तो ना ही केवल आप इसके साथ स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हैं, बट आप इसमें टीवी भी देख सकते हैं, Amazon, Netflix, सारी ऐप्स जो है इसके आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अंदर। तो मॉनिटर के साथ सबसे पहले यहाँ पे है एक HDMI केबल और एक पावर केबल, और ये एक छोटा सा रिमोट, तो साइड रख देते हैं। नेक्स्ट हमें इसके साथ है ये स्टैंड मॉनिटर का, रियर स्टैंड, इसका बेस प्लेट जिसके ऊपर मॉनिटर आएगा, और ये है मेन मॉनिटर यहाँ पे जिसको हम खोल लेते हैं। तो इसकी हम कर लेते हैं अभी अनबॉक्सिंग। ये साइड हो गया। सो दिस इज द मॉनिटर Samsung M2। अगर आप इसके रियर साइड देखना चाहें तो कुछ ऐसी है इसकी रियर साइड। एंड इसमें हम लोग को दो USB, दो HDMI और एक पावर केबल का ऑप्शन है यहाँ पे, एंड स्टैंड इसको फिट करेंगे। तो ये रहा इसका बेस स्टैंड के लिए यहाँ पे एक स्क्रू है सेंटर में जो हमें लगाना पड़ेगा। तो इसका एक स्क्रू है। ये रहा इसका सेकंड स्टैंड। ये इसका टॉप का स्टैंड जो कि बेस प्लेट के ऊपर कुछ इस तरह से फिट होएगा, और फिर इसके ऊपर आएगा मॉनिटर यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मॉनिटर में फिट कर लेता हूँ और बेस प्लेट को फिट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो ये मॉनिटर जो अभी ऑन हो गया है, और इसको हमने स्टैंड पे ऐसे फिक्स कर दिया है और कनेक्ट करके हमने इसको ऑन किया है। और ये QR कोड स्कैन करने के बाद ये आपको ऐसा कुछ ऐप पे लेके आ जाएगा, एंड देन ऐप पे आपको Samsung की जो है अकाउंट में लॉगिन करना है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो वंस यू साइन इन विद योर Samsung अकाउंट, इट विल कनेक्ट यू टू द स्क्रीन। सो इट इज कनेक्टिंग राइट नाउ, इट्स आस्किंग माइक्रोफोन एक्सेस। ओके, so it's showing me connecting to the screen, and I have to enter this particular pin which is being shown here. So 6372 7740, done. So it'll confirm the pin from here, and yeah, it's showing follow the instructions available on mobile. So I'll connect to the internet first of all yahan se. So now it has sent the Wi-Fi instructions to the monitor here, and yep, I have to agree to these condition. It is registering my screen to the Samsung account now. So probably it will register all the devices that I purchased from Samsung to my Samsung account. So then I can see their warranties and everything on the app. तो यहाँ पे तो मेरे को दिखा रहा है कि इट इज़ रजिस्टरिंग मी टू द Samsung अकाउंट, बट यहाँ पे दिखा रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, रिमोट के साथ सेटअप कर लो। तो ओके, विल प्रोसीड विद द रिमोट सेटअप। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, तो वायरलेस हम सिलेक्ट करेंगे, एंड इट इज़ सर्चिंग फॉर वाईफाई नेटवर्क्स। या तो हम लोग फर्स्ट वाले नेटवर्क से ही कनेक्ट करेंगे 5G, yes it is connecting, the Wi-Fi has been connected to the system. Now next it will ask us to agree to the terms and conditions, bahut sari, I agree to all, okay. Next is later, yeah, we'll install the update later,
एंड यूज एग्जिस्टिंग अकाउंट यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एंड मैं ये अभी फ़ोन से साइन इन कर दूंगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे नाम से साइन इन हो गया है एंड गॉट इट। यहाँ से पिन एंटर हो गया है, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर पे टिक करके स्किप स्किप कर दो या फिर चलो ठीक है रजिस्टर हो गया। आई एग्री टू स्टोरेज बैकअप डाटा स्किप कर दो। ये क्या है एंड पोस्ट कोड फाइनली कुछ तो हुआ है। सैमसंग ने अच्छी खासी ऐड कर दी एंड ऐसा कुछ इसका होम स्क्रीन है या तो अभी इट्स बीन क्वाइट अ फ्यू डेज आई एम यूजिंग दिस मॉनिटर, तो इसको ऑन कर लेते हैं एंड ऐसे ही कुछ ऑन होता है। इसके बाद आपको ये डायरेक्ट सैमसंग टीवी लेके जाता है पर आप होम प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट इस पर आ जाएगा। होम पे आपको नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियोस हॉटस्टार और जो भी आपको सब ऐप्स चाहिए यूट्यूब वगैरह वो सब अवेलेबल है। और सबसे बेस्ट इस मॉनिटर के बारे में क्या है कि आप इस पर कास्टिंग कर सकते हैं। कास्ट कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास एप्पल का कोई भी डिवाइस है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग में जा सकते हैं एंड मैं सिलेक्ट करूँगा 25 इंच स्मार्ट मॉनिटर M5 एंड ये देखिए आप डायरेक्टली इसको कास्ट कर सकते हैं। मैं इसको एज अ सेपरेट डिस्प्ले अभी यूज़ कर रहा हूँ तो अगर मेरे को सेम डिस्प्ले पे इसको यूज़ करना है तो मिरर बिल्ट इन रेटिना डिस्प्ले में करूँगा और यहाँ पे मैं सेम अपना कास्ट कर सकता हूँ। और ये सारा वायरलेसली है, जस्ट आपके सिस्टम जो है वो सेम वाईफाई पे कनेक्टेड रहने चाहिए एंड देन यू कैन कास्ट योर स्क्रीन ऑल्सो थ्रू दिस। सो दिस वॉज अ क्विक अनबॉक्सिंग ऑफ सैमसंग M2 मॉनिटर विच इज़ स्मार्ट मॉनिटर एंड कुछ और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, गिव इट बिग थम्स अप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।